जेएमएम छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद सीता सोरेन आज दिल्ली से पहली बार रांची आ रही है। सीता सोरेन पिछले दिनों जेएमएम से त्याग पत्र देने के बाद दिल्ली चली गई थी और वहां भाजपा मुख्यालय से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें जेल श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। इधर सीता सोरेन पिछले दिनों दिल्ली से रांची आना चाहती थी, लेकिन रांची पुलिस द्वारा अपनी ओर से अतिरिक्त सुरक्षा बल देने से इनकार करने के बाद उन्हें रांची आने से मना कर दिया था। हालांकि इस मामले को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई थी। पक्ष विपक्ष उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे थे। देखिए, जेड श्रेणी की सिक्योरिटी तो केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई, लेकिन उसके जो तमाम इंतजाम होते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है। अब जेड सिक्योरिटी का कोई प्रोटेक्टेड आदमी बढ़ेगा तो पूरे उसके साथ स्पेशल ब्रांच और पुलिस का कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। ट्रैफिक उसी हिसाब से कंट्रोल कराया जाता है, इन आउटर सर्कल में स्टेट पुलिस के जवान लगते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प की आवश्यकता पड़ती ही है, भले ही पैरामिलिट्री फोर्सेज की वो सुरक्षा में रहें। तो राज्य सरकार ने पिछले बार देने से मना कर दिया था। क्यों? इनको मां समान सोरेन परिवार की बड़ी बहू का डर इतना सता रहा है कि जब वो दिल्ली से इतना गरज सकती हैं तो झारखंड आके जब परिवार की कलई खोलेंगे तो ये शायद मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। तो ये बहाने करके इनको आने से रोक रहे हैं, पर कितने दिन रोकेंगे? आज वो तो आ ही रही है। ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए। सुरक्षा में तो कोई कमी है नहीं, विधायक होने के नाते जो उनको सुरक्षा प्रदान किया गया था राज्य की सरकार की तरफ से वो तो पूर्ववत है, कोई सुरक्षा विड्रॉ नहीं किया गया। केंद्र की सरकार ने उन्हें अलग से एक सुरक्षा कवच दिया है, अच्छी बात है। पहले कमलेश सिंह को भी दिया गया था और भी एक दो लोगों को मिला है। तो केंद्र ने जो दिया है, केंद्रीय बल अलग से रहेगा और उसमें कहीं राज्य सरकार का ये मनसा ही नहीं है कि उनको सुरक्षा न मिले। सुरक्षा मिलना चाहिए, मिल भी रहा है, लेकिन उस पर राजनीति लोग करने लगते हैं बड़ा। और इस वक्त अंजनी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, सीता सोरेन आज दिल्ली से वापस रांची आ रही है, इसमें सियासत काफी गर्म है, इस चीज को लेकर के, जो सुरक्षा को लेकर के काफी सियासत गर्म हो गई है, क्या लगता है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस वक्त? देखिए, सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और उसके बाद वो दिल्ली में हम कह सकते हैं कि तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की और जब टिकट कंफर्म हुआ है तो अब वो वापस आज रांची लौट रही हैं। जाहिर सी बात है कि दुमका जो लोकसभा क्षेत्र है वो संथाल परगना के लिए एक हॉट सीट कहा जा सकता है और दुमका झारखंड की उप राजधानी भी है और संथाल परगना में दुमका सीट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो दुमका लोकसभा से गुरु जी भी कई बार चुनाव जीते हैं और वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सोरेन परिवार में सेंधमारी करते हुए सीता सोरेन को अपने पार्टी में शामिल कराया और दुमका लोकसभा से उन्होंने टिकट दिया है तो अब आने वाले समय में दुमका लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी राजनीति के गलियारे के लिए और झारखंड की राजनीति के लिए काफ़ी हॉट सीट हो गया है। अब देखना ये होगा कि उस दुमका लोकसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दुमका लोकसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हेमलाल मुर्मू जो है चुनाव लड़ सकते हैं। अब उनकी वापसी हो रही है दिल्ली से तो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत होगा और वहाँ से वो बिरसा चौक पहुँचेंगी और बिरसा चौक में भगवान बिरसा मुंडा की जो मूर्ति है वहाँ माल्यार्पण करने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ जाएंगी। मतलब बीजेपी में जाने के बाद वो झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी का जो दफ्तर है वो पहली बार वहाँ कदम रखेंगी और इसके बाद से हम कह सकते हैं कि पूरी राजनीति जो है झारखंड की वो एक अलग नज़रिए से अब देखा जाएगा। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जो है सोरेन परिवार को लेकर पानी पी पी कर कोसती थी लेकिन आज बीजेपी के लिए एक मजबूरी हो गई कि सीता सोरेन को उन्होंने अपने खाते में अपने पार्टी में शामिल कराया जी, क्योंकि झारखंड
अंदनी, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी में सीता सोरेन जिस तरीके से शामिल हुई, इसके बाद बीजेपी का जो बयान है उन्हें लेकर काफी पहले के मुकाबले सीधा भी उलट हो गया है। काफी उनकी तारीफें हो रही हैं और उन्हें लेकर उनकी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। और यहाँ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जो है उनका कहना है कि उनकी जेएमएम जो है अपनी बड़ी बहू से ही डर रहे हैं। वही जेएमएम जो है उनका कहना है कि वो बड़ी बहू रही है यहाँ की, उन्हें सुरक्षा को लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले भी जब वो मतलब यहाँ विधायक थी और 3 बार वो विधायक रही हैं, तो उसके पहले भी उनको उनके साथ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से दिया जाता रहा था। लेकिन जिस तरह से जेड श्रेणी की जो सुरक्षा मिली है, अति आवश्यक सुरक्षा दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये जरूर कहा है कि आज भी सीता सोरेन पर मतलब गुरु जी के बड़ी बहू हैं, तो वैसे में सुरक्षा कोई बहुत मायने नहीं रखता है। और जिस तरह से सुरक्षा को लेकर जिस तरह से राजनीति हुई है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि ऐसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए। जी, क्योंकि बहुत बहुत जी अंजनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारियों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जेएमएम छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद सीता सोरेन आज दिल्ली से पहली बार रांची आ रही है। और सीता सोरेन पिछले दिनों जेएमएम से त्याग पत्र देने के बाद दिल्ली चली गई थी और वापस अब दिल्ली से रांची आने वाली हैं।